नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार। डॉक्टर साहब पारस HMRI में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। सर, डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार सबको। डॉक्टर साहब से आज किडनी रोग विशेषज्ञ भी हैं आप, किडनी रोग के ही बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा गया है किडनी बीमारी में जो लक्षण, शुरुआती लक्षण होते हैं, भूख नहीं लगना, इन सब चीज़ों का लक्षण होता है, और क्या क्या लक्षण होते हैं किडनी की बीमारी के साथ? यही प्रॉब्लम है कि शुरुआती दौरों में कोई लक्षण होते नहीं है जनरली, लास्ट स्टेज हो जाता है या लास्ट से जस्ट पहले, तब सारे लक्षण आने शुरू होते हैं। और किडनी की बीमारी को जनरली मोटा मोटी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक एक्यूट प्रॉब्लम, जैसे सडनली कुछ हुआ, किडनी का फंक्शन एकाएक खराब हो गया। दूसरा होता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज, तो धीरे धीरे खराब होता है। तो जो कॉमन लक्षण है उसमें होगा कि आपका पेशाब का प्रॉब्लम होगा, किडनी का एक काम है पेशाब बनाना, तो पेशाब कम होने लग जाएगा, या फिर पेशाब में और सब भी प्रॉब्लम हो जाएगा, रात में बहुत ज़्यादा होने लगा जिसको हम लोग नॉक्चूरिया बोलते हैं, या पेशाब में जलन, तो एक हो गया पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरा है कि पेशाब नहीं होने के कारण शरीर का सूजन, तो शरीर पाँव फूलने लगना। किडनी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले चेहरा सूजन होने लगता है, जैसे रात में उठे ठीक था, रात में सोए ठीक था, सुबह सुबह उठे तो चेहरा फूल गया है, ये है। प्लस पेशाब में और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पेशाब से अगर खून आ रहा है, या पेशाब में कुछ दुर्गंध है, या पेशाब करते वक्त बहुत सारा झाग हो जा रहा है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं पेशाब में प्रोटीन ज़्यादा आता है। और बाकी हम लोग टेस्ट के लिए बेसिकली सिंपल सा टेस्ट है, अगर सिंपल एक टेस्ट कराया जो कि 50-60 रुपये में हो जाता है, सेरम क्रिएटिनिन, जो नॉर्मली 1 रहना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ किडनी की प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, शरीर में हर अंग का होना बहुत ज़रूरी, जितने भी अंग हैं, लेकिन एक किडनी ही एक ऐसा चीज़ है जो दो रहते हैं, अगर एक भी फंक्शन कर रहा है तो आदमी ज़िंदा रह सकता है। वाइटल ऑर्गन होते हैं बॉडी में, वाइटल ऑर्गन मतलब जिसके बिना लाइफ का संभव नहीं है, मतलब लाइफ संभव नहीं है। ये हो गया जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी, ये सब वाइटल ऑर्गन है, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। किडनी का है कि हमारे पास दो किडनी है, लेकिन एक किडनी भी सफिशियंट है, सफिशियंट फॉर लाइफ है। उसी तरह जिस तरह मतलब हम लोग किडनी आजकल ऑर्गन डोनेशन पर इतना ज़्यादा बोलते हैं, अगर कोई आदमी अपनी किडनी को दूसरे आदमी को देता है तो दोनों के पास एक एक किडनी रहता है और दोनों ठीक रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोगों में एक ही किडनी होता है, जन्म से ही एक ही किडनी होते हैं, तो दैट इज़ सफिशियंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और हल्का फुल्का प्रॉब्लम है जो कि टैकल किया जा सकता है, उसको भी बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, अब इसके इलाज के बारे में, जैसे आपने पहले भी बताया एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट मतलब कम, क्रॉनिक मतलब ज़्यादा, तो नहीं, कम हाँ, ज़्यादा मतलब, नहीं, एक्यूट मतलब रिसेंट ऑनसेट, जैसे कि आज मेरा किडनी ठीक है, तो आज मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, जैसे किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो गया, या फिर मुझे दस्त या बहुत ज़्यादा डायरिया वोमिटिंग हुआ जिसके कारण शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की बहुत कमी हो गई, जैसे लू लगना वगैरह जैसा होता है, तो बहुत ज़्यादा कमी हो गया, या डायरिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो, शरीर में पानी कमी होगी तो किडनी काम करना बंद हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे कंडीशन है, जैसे स्टोन हो गया, तो ये सब एक्यूट प्रॉब्लम कराते हैं, सडनली आपका किडनी काम करना बंद कर देगा, तो ये एक्यूट प्रॉब्लम है। इसमें अगर सही टाइम पर नेफ्रोलॉजिस्ट को मिला जाए तो उसका इलाज करके किडनी को ऑलमोस्ट 100% रिकवर किया जा सकता है। 95-98% केसेस में किडनी 100% रिकवर हो जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ मतलब 3-4 महीने से आपका किडनी लगातार ख़राब है, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बढ़ रहा है, डेली टेस्ट करा रहे हैं थोड़ा बढ़ जा रहा है, हर एक करते करते, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कारण अगर जैसा हो रहा है, या हाइपरटेंशन के कारण हो रहा है, या फिर कुछ ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, तो ये सब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होते हैं, ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो इसमें हम लोग का मेन एम रहता है कि इस डिजीज़ प्रोसेस को कितना स्लो किया जाए और पेशेंट के लाइफ को कितना बेटर किया जाए। डॉक्टर साहब, ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों का अलग अलग इलाज होता होगा जी, तो आप जब पेशेंट आते होंगे कैसे डिटेक्ट करते हैं जो ये एक्यूट वाला है, ये क्रॉनिक वाला है, उनके इलाज के लिए क्या क्या करते हैं? एक्यूट के लिए कुछ ना कुछ हिस्ट्री होना चाहिए, एक तो मतलब पहले से, जैसे ठीक है आप बोलिएगा कि मेरा सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सडनली कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, या फिर कुछ हुआ जैसे मुझे फीवर हुआ, किडनी में प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पेन हुआ मतलब किडनी के साइड पर, या फिर डायरिया वोमिटिंग हुआ, तो इससे हम लोग डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या प्रेजेंटेशन है, आपका क्या प्रेजेंटेशन है, उस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक्यूट है कि क्रॉनिक है। क्रॉनिक है तो आपका लॉन्ग हिस्ट्री रहेगा, बहुत दिन से आप बीमार चल रहे होंगे, और
क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जैसे लास्ट इनिशियल स्टेज में तो पता ही नहीं चलेगा आपको, आपको बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे तभी होगा। तो हम लोग एक नया टर्म बोलते हैं आजकल, एट रिस्क पेशेंट कौन कौन से किडनी डिजीज़ के, तो 6-7 पेशेंट है जो एट रिस्क पर हैं। जैसे कि हम जैसे जानते हैं कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है, इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल, ठीक। तो डायबिटीज़ है उसमें करीब करीब देखा गया है कि अगर 100 मरीज़ हैं डायबिटीज़ के, तो उनमें से इंडिया में कम से कम 40-50% मरीज़ को किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायबिटीज़ है या फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, डेफिनेटली आप एट रिस्क हैं, तो आप रेगुलरली चेक कराइए। चेक भी दो ही टेस्ट कराना है, क्रिएटिनिन और यूरिन का टेस्ट कराइए, आपको डिटेक्ट हो जाएगा किडनी का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। सिमिलरली हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन है तो अपने बीपी को कंट्रोल रखें, या फिर आपके फैमिली में किसी को किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम है, हो सकता है अनुवांशिक आ रहा हो, जैसे एक डिजीज़ का नाम है ADPKD, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो ये फैमिली में रन करता है, मदर से बच्चे में या फादर से बच्चे में, फिर उनके बच्चे में ये सब। तो अगर आपको पहले से पता है तो आप शुरू से ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि उस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। और भी कुछ कुछ है जैसे हाई रिस्क है, जैसे आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ठीक कराएं, या फिर आपको स्टोन की बीमारी है तो उसको ठीक कराएं। तो ये सब हम लोग करेंगे, ये सब हुआ एट रिस्क पेशेंट। तो इसको अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे तो हम लोग किडनी की फंक्शन को बहुत हद तक बचा कर रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारे दोस्तों को तक कहते हैं जो क्रॉनिक हो गया तो ट्रांसप्लांट ही एक उपाय, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ट्रांसप्लांट हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है। लास्ट ऑप्शन मतलब इसके बाद अब और कोई इलाज नहीं है, या तो जब हम लोग बोलते हैं लास्ट स्टेज, एंड स्टेज किडनी डिजीज़, मतलब CKD, जो CKD होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, इसके 5 स्टेज होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टेज 5 को बोलते हैं लास्ट स्टेज, एंड स्टेज किडनी डिजीज़। इसके बाद अभी किडनी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग करते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब किडनी की जगह कुछ और ऐसा चीज़ जो किडनी का काम करे। तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो है कि डायलिसिस करना। डायलिसिस भी 2 टाइप का है, एक हीमोडायलिसिस ब्लड के थ्रू, एक पेरिटोनियल डायलिसिस जो पेट के थ्रू करते हैं। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट हो गया ट्रांसप्लांट। अगर कोई ऑर्गन डोनेशन किसी को किडनी देता है तो उस किडनी को हम लोग लगा सकते हैं, बट ये लास्ट स्टेज का बात है, CKD स्टेज 5। लेकिन CKD स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, अप टू 5 भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो तो ये सब हम लोग कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक किडनी की बीमारी का इलाज ट्रांसप्लांट है। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे किडनी की बीमारी, जिसको गुर्दा भी करते हैं, गुर्दा की बीमारी के बारे में इन्होंने बताया। एक्यूट और क्रॉनिक दो तरह की बीमारी इनको, अगर एक्यूट वाले समय पर पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास में तो उन्हें ठीक किया जाता है, क्रॉनिक वाले के भी इन्होंने 5 स्टेज के बारे में बताया। अगर स्टेज 1-2 में आप पहुँच गए तो इसका इलाज है, लेकिन अगर 5 में पहुँचते हैं तो ट्रांसप्लांट, एक अगर आपको डोनर मिलता है तो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।